रहता था तो अपने जैसे जब जैसे परिवार होता है वैसे तरह से गांव में रहते थे, आते थे जाते थे, सबसे मिलते थे जुलते थे। काम किया सर, असली है नहीं, असली भी असली था, असली ही काम किया उसने, उसने नाम रोशन कर दिया। बहुत अच्छे थे, कॉमेडी भी करते थे हमारे साथ में कभी कभी, और वो आते थे तो ऐसा लगता है कि रामायण आ गए हमारे यहाँ। हम लोग टीवी में देखते थे, हम खुले में यहाँ इनके साथ में मिलते थे तो ऐसा एक महसूस होता था हम लोगों को। तिरंगा फिल्म में गाँव के सब लोग आते थे मिलने के लिए और सबको बिठाते थे, सबके साथ बात करते थे। बिहार में रहते थे, अच्छा रहते थे, अब तो एक्सपर्ट हुए। हाँ वो ट्रेन एक्सीडेंट था। दोस्तों यही है मुकेश रावल जी का घर, मैंने जैसा कि आपको दिखाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ में। मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हैं विकास कुमार वीकेआर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं गुजरात राज्य के एक छोटा सा गांव है जिस गांव का नाम है बड़ोली, जो कि गांव इसलिए हम आए हैं यहां पे जो रामानंद सागर जी की रामायण थी उसके अंदर एक किरदार था, ऐसा किरदार जो राक्षस वंश में होकर एक ऐसे विनम्रता से पेश आना, को पता ही चल गया हो। हम विभीषण जी के बारे में बात कर रहे हैं जिनका असली नाम है मुकेश रावल, तो वो इसी बड़ोली गांव में रहते थे। अगर आप बड़ोली गांव आना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट पे इसकी जानकारी मिल जाएगी, गूगल मैप पे आप सर्च कर सकते हो। ये गुजरात राज्य का एक छोटा सा गाँव है और काफ़ी बेहद ही खूबसूरत और अच्छा गाँव है। इस गाँव में आए थे जब हम तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई में घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम गाँव के अंदर गए तो मुझे पता चला कि हाँ यहीं पे उनका घर है और यहीं पे उनके पिताजी रहा करते थे ऐसा कुछ। तो उनका जन्म के बारे में आपको बता देते, उनका जन्म बेसिकली मुंबई में हुआ था लेकिन उनके जो पिता का घर है वो यही है और वो भी यहाँ पे आया करते थे, रहा भी करते थे क्योंकि अपने पिता की भूमि पे। मुकेश रावल का जो जीवन के बारे में आपको बता देते, उनका जीवन जो है ना कुछ अच्छा नहीं रहा, उनके बेटे की भी मौत हो गई थी 15-16 साल की उम्र में, तो वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर पाए कि हमारे बेटे की भी डेथ हो गई है और बेटे की भी ट्रेन एक्सीडेंट से मौत हुई थी और मुकेश रावल जी भी ट्रेन एक्सीडेंट से ही उनकी, ऐसी क्या घटना घटित हुई मुझे नहीं पता, दोनों लोगों की ट्रेन से ही मौत हो गई थी जी। तो बेहद ही दुखद रहा, जितना कुछ मुझे पता था मैंने आपको बताया। इसी के साथ में हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, चलेंगे गांव के अंदर, आपको दिखाएंगे मुकेश रावल जी का घर कैसा दिखता है आज। जैसे गांव में एंट्री करेंगे तो यहां पे एक मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा, ये मंदिर है, काफ़ी अच्छा मंदिर है और गांव में बहुत सारे पुराने और लकड़ी के जैसे मकान हैं, देखो दोस्तों। तो यही है वो पूरा गाँव मुकेश रावल जी का जिन्होंने विभीषण का किरदार निभाया था। अंकल जी, यहाँ मुकेश रावल जी का घर कौन सा है जिन्होंने किरदार निभाया था? आगे 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 कितना दूर पे यहाँ से जाओगे ना, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना, हाँ उसके पीछे ही है। अच्छा, जो विभीषण का किरदार निभाया था ना। हाँ। अच्छा, थैंक यू अंकल। अंकल जी ने बताया ये जो ग्रीन वाला घर है, इस घर के जस्ट अपोजिट उस साइड पे उनका घर है और गांव बेहद ही मतलब अच्छा है और बहुत ज्यादा पुराने घर यहाँ पे बने। इस घर के जस्ट पीछे ही बताया था, तो अभी देख रहे हो ये हमला ना करते हैं, डर लगता है भाई नए नए गांव में, तो ये कोई गवर्नमेंट संस्था है तो इसी के जस्ट पीछे ही बताया उन्होंने घर। तो ये है गांव और सामने अंकल जी बैठे हैं, उनसे पूछने की जरूर कोशिश करें। हम तो मेरा है प्रहलाद भाई, लेकिन जो यह ब्राह्मण का गांव है, बड़ोली गांव है ना, हाँ, पूरा ब्राह्मण, ये पूरा ब्राह्मण का गांव था। ठीक है, अभी वो सब बम्बई रहने वाले थे। अच्छा, आपके तो हमजोली होंगे लगभग, आपकी उम्र के तो होंगे ही। मेरी है उम्र है 79। हाँ, तो आप बता रहे थे जैसे जब यहाँ रहते थे, हाँ
तो आपकी दुकान पे भी आया करते थे? हाँ, दुकान पे आते थे। अच्छा, क्या वो ऐसा कुछ खरीद के ले जाते थे आपकी? वो तो शौकीन मानस था, दिलदार मानस था। दिलदार था। अच्छा, रामायण में एक चीज देखते हो, बिल्कुल ऐसा लगता है रामायण में जो काम किया, विभीषण असली है नहीं? असली भी असली था। हाँ, असली काम किया उसने, उसने नाम रोशन कर दिया भारत में। आज देखो हम उसी वजह से आपसे मिलने आए, आपके गांव को देखने आए। अच्छा। कि हमारे आपके गांव के बडोली गांव के जो विभीषण जी थे, मुकेश रावल जी, मुकेश भाई रावल, वो ब्राह्मण है। अच्छा। उस ब्राह्मण नाती में रावल है, बट है, जानी है, ये सब अटक है उनकी। तो वो रावल से पहचाने जाते थे। अच्छा। और उसका रावल का परिवार है, उसका कुटुंबी भी है। अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए अंकल जी, आपकी दुकान से क्या लेके गए आपसे? मेरी दुकान में से तो वो खान चावल लेके जाते थे। हाँ। और उसका रिश्तेदार, उसका परिवार है। अच्छा, परिवार है अभी? हाँ, उसका परिवार है, उसका कुटुंबी, जो कुटुंब होता है ना, वो लोग है। तो उनके घर में भी रहते थे, खाते थे साथ में बैठ के। वो तो यहाँ रहता था तो अपने जैसे जैसे परिवार होता है वैसे तरह से गांव में रहते थे। आते थे, जाते थे, सबसे मिलते थे, जुलते थे। पढ़ाई वढ़ाई यहीं से करी थी, यहीं पे जन्म हुआ था उनका? नहीं, उसका पिताजी थे ना, वो कुछ LIC में नौकरी करते थे। अच्छा। बहुत पहले की साल की बात करता हूँ। अच्छा। तो उसने पढ़ाई बॉम्बे में किया। अच्छा, बॉम्बे में? यहाँ लास्ट टाइम कब आए थे आपको याद हो? तो बहुत 10-15 साल हो गया। 15 साल हो गया। हाँ, पता चला कि वो ट्रेन एक्सीडेंट में कुछ हादसा। हाँ, वो ट्रेन एक्सीडेंट में। और जैसे अंकल जी जन्म यहीं पे हुआ था उनका ना? उसका फादर तो बंबई में रहते थे, बंबई में जन्म होगा। अच्छा, अभी घर किसके, मतलब अभी घर बेच दिया या उन्हीं का? नहीं, घर बेचा नहीं है, घर में है। उसका फैमिली, उसके वाइफ आई थी, उनका वाइफ आए थे, तो वो अभी साफ सुफ करके गए, दो चार छह महीने हो गया उनको। अच्छा, देख रहे हो, यही है वो घर, मुकेश रावल जी का, विभीषण जी का घर, जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण के अंदर एक ऐसा किरदार निभाया था जो लोगों के दिल को छू जाता है। तो काफ़ी बढ़िया घर बना है, लेकिन ये जो घर का इंटीरियर है, बैक साइड का है, पीछे का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। और ये है गली, पूरा गांव देख रहे हो, पूरा पुराने पुराने घर बने हैं और पूरी ब्राह्मण बस्ती है। और मुकेश रावल जी एक ट्रेन एक्सीडेंट हादसे में उनका देहांत हो गया था, तो काफ़ी बेहद ही खूबसूरत घर है, देख ही रहे हो दोस्तों। आंटी इधर, मतलब वो पीछे से एक बोल रही थी कि ये घर किराए पे है, और देख रहे हो काफ़ी जर्जर हो गया है, पुराना है ना इस वजह से। तो वो बोल रही हैं कि ये मैंने भाड़े पर उठा गए हैं, वो किराए पर अभी हम लोग रहते हैं। तो देखो उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे, तो वो फीमेल हैं वो लोग, तो मैं भी बोले ना बोले। काफ़ी बड़ा घर है यार, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और अभी देख रहे हो। मैं सोचा इधर ही कहीं पे गेट होगा। हाँ, सीधे सीधे चले जाते हैं अपन, पूरा इधर भी नहीं है गेट, काफ़ी बड़ा घर बना हुआ है। अब उनके फैमिली मेंबर में तो यहाँ कोई नहीं रहता, सारे लोग बॉम्बे शिफ्ट हो गए, जैसा कि देख रहे हैं। ये पूरा घर भाई, एक बार ही दिखाते हैं आपको, पीछे से वहाँ से स्टार्ट है और ये पूरा घर, इतना बड़ा घर है, हमारा समझ में नहीं आ रहा भाई कहाँ पे इसका गेट है। ये एक ही घर है क्या भाई? दोस्तों देख सकते हो, समझ नहीं आ रहा कौन सा वहाँ से स्टार्ट हुआ है घर है कि पूरा महल है भाई। देख लो दोस्तों, देखते हैं भाई गेट कहाँ पे है, मुख्य द्वार कहाँ पे है। वहाँ जो भाई खड़े हैं, वहाँ से यहाँ तक ये पूरा घर उसी में आ रहा है एक में। अभी इस गली से चलेंगे अंदर, घर अलग था। और अच्छा, ये अलग है ना भैया, वो जो अभी हमने पार्टीशन देखा वहाँ से यहाँ तक, वो अलग घर है ना? ये अलग है, सेम ही घर है ना पूरा वहाँ से यहाँ तक? नहीं, इनका यही घर, यही घर है ना, लेकिन बहुत लंबा है। अच्छा, पूरा ये रोड अभी हम लोग इस साइड से रोड गए ना, इधर से घूम के, ये एक में ही है ना पूरा इंटीरियर? हाँ, लेकिन बट रहते यहाँ पे थे, यहाँ पे रहते थे। अच्छा, रहते थे, अब तो एक्सपर्ट हुए। हाँ, वो ट्रेन एक्सीडेंट में। ये है मुकेश रावल जी और मतलब विभीषण जी का घर, और
ये हैं अंकल जी मुझे मिले हुए उनके पड़ोस में। अंकल जी आप अपना नाम बता दीजिए। गोस्वामी शैलेश गिरी बी। आप मुकेश रावल जी के रिश्ते में कौन लगते थे, आपके कौन लगते थे? हमारे नेबर ही है, पड़ोसी थे। पड़ोसी थे, पड़ोसी थे। तो कुछ ऐसा वाक्य बताइए जो उनके साथ, आप तो मिले ही होंगे। बहुत टाइम मिलते थे हम। तो कैसे मतलब रामायण में भीष्म जी को देखा, रावण के भाई थे, कैसा लगता था? वो स्वभाव के बहुत अच्छे थे। कॉमेडी भी करते थे हमारे साथ में कभी कभी। और वो आते थे तो ऐसा लगता कि रामायण आ गए हमारे यहाँ, पूरा रामायण ही आ गया ऐसा ही लगता था हमारा। वही जो रामायण का जो सीन हम लोग टीवी में देखते थे, वो हम खुले में यहाँ इनके साथ में मिलते थे तो ऐसा ही महसूस होता था हम लोगों को। अच्छा, ऐसा लगता ना कि रामायण के अंदर बिल्कुल वो विनम्र और सीधे स्वभाव के लगते हैं। ऐसा कभी मस्ती मजाक कौन होता था आपस में? हाँ होता था ना, होता था। वो वैसे तो सीरियस देते हैं लेकिन हम लोग इकट्ठे हो जाते थे तो एक दूसरे की मजाक करते थे हम लोग, बहुत मजाक करते थे। मतलब जो विभीषण जी का जो उन्होंने किरदार निभाया, वैसे यहाँ पे भी रामलीला होती थी क्या अपने यहाँ गांव में? पहले के जमाने में होती थी। अच्छा, पहले के जमाने में बोलेंगे तो 65 आसपास में। अच्छा, तो वो लोग आते थे यहाँ पे, नाटक भी करते थे। अच्छा, यहाँ पे नाटक भी करते थे। गांव के चौराहा है हमारा, चौराहे पहले सब करते थे। वो भी थे, उपेंद्र भाई भी थे हमारे, अरिंद भाई भी थे, वो सब लोग हमारे संबंधी है सब लोग। अच्छा, वो सब मिलके हम लोग बहुत प्रोग्राम करते थे। लास्ट टाइम यहाँ पे कब आए वो? लास्ट टाइम तो करीबन श्योर याद नहीं है मेरे को, फिर भी अराउंड लगभग कितना समय? उनकी डेथ की 2 साल पहले की महाशिवरात्रि पे आए। हाँ, महाशिवरात्रि पे, हर शिवरात्रि पे आते थे वो। डेट से पहले, डेट से 2 साल पहले आए थे। हाँ, वो उसके बाद में नहीं आए वो। शिवरात्रि की पूरी नाइट हमारे यहाँ पूजा पाठ चलती है। चार पावर की जो पूरा पूजा बोलते हैं ना, वो होती थी उसमें। एक पावर में वो भी बैठते थे। अच्छा, रामायण के अलावा उन्होंने और भी किसी सीरियल में काम किया? नहीं नहीं, बहुत सीरियल में काम किया उन्होंने, बहुत सीरियल में की है। गुजराती पिक्चरों में भी काम किया उन्होंने, गुजराती पिक्चरों में बहुत काम किया। बहुत फेमस मूवी है तिरंगा मूवी, जिसमें उन्होंने साइंटिस्ट का काम किया था। अच्छा, तिरंगा फिल्म के अंदर, तिरंगा मूवी में जो साइंटिस्ट राजकुमार जी थे, राजकुमार जी जिस मूवी में थे वहाँ पे साइंटिस्ट थे वो। हाँ, जो उतरते हैं फ्यूज कंडक्टर वाला, जिन्होंने आइडिया दिया था कि फ्यूज कंडक्टर निकालना। हाँ, वो किरदार मुकेश रावल जी ने किया था। तिरंगा फिल्म। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे जब रामायण के शूटिंग के दौरान कभी आते होंगे तो वो अरविंद त्रिवेदी जी और मतलब रामायण के कई फिल्म जो कलाकार हैं, कभी आए उनसे मिलने यहाँ? देखा कभी उनको? हाँ, हमने देखा। हाँ, आते थे, आते थे वो, आए थे सभी लोग। विप्रा रावल, आर्या रावल, वो सब यहाँ पे आते हैं। अच्छा, उसके पापा जिंदा थे, मुकेश राव जी तक आया, तब भी आते थे, दादी जी से मिलने सब आते थे। अच्छा, अभी बोलो कब से नहीं यहाँ पे आते हैं? वो तो मुकेश राव जी गुजर गए ना, उसके बाद में नहीं आते। उसके बाद में उसके दो भाई भी थे विभीषण भाई के। अच्छा अच्छा, वो भी एक्सपायर हो गए, बाद में थोड़े कम हो गए आते हैं। पहले साल में हर शिवरात्रि भी आते थे। अभी हम वहाँ गए थे, नालिन दवे जी के घर पे जो कुंभकर्ण का किरदार निभाए थे, तो उनका भी घर ऐसे बंद पड़ा है अभी वहाँ पे। सभी सभी किराए पे दे दिया है। अच्छा, और जिन्होंने रावण का रोल किया था, अरविंद त्रिवेदी जी, वो हमारे पड़ोसी के गाँव के है। अंबाजी चल के जाते हैं ना, वो जिंदा थे तब तक हर साल उनके लिए सेवा कैंप लगाते थे, खाना पीना रहना सब। अभी सब लगा, मैं उनसे पर्सनली भी 2 बार मिलने गया था सेवा कैंप के दौरान। अच्छा अच्छा, जो रावण का रोल अदा किए थे, बहुत ही निखालस व्यक्ति थे दोनों ही। वो रावण में जो रावण जो बने थे वही यहाँ पे कितने दिन हो गए किराए पे उनको उठावे लगभग? अभी तो 1000 रुपए किराया। अच्छा, किराया के लिए नहीं दिया, घर संभालने के लिए दिया, घर संभालने के लिए पैसे के लिए नहीं दिया। और ये भी हमारे जो है ना पड़ोसी, ब्राह्मण तो परिजन होता है, दो लेडीज लोग आते हैं 2 दिन के लिए, उसका खाना पीना जो वाड़ी में होता है, मगर यहाँ आते हैं, मिलते हैं सबसे, यहाँ रहते हैं, अभी भी आते हैं। कहा जा सकता है कि रामायण के अंदर में भी वे श्री राम के भक्त थे और आज भी वर्तमान में भी वो श्री राम भक्ति थे, भक्ति थे। ऐसा नहीं है कि अंदर कोई मन में भाव नहीं, नहीं नहीं, बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छा व्यक्तित्व था उनका, बहुत अच्छा। लगता नहीं था कि वो लोग इतना फिल्म में है तो किसी से मिलते जुलते नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं थे। गांव के सब लोग आते थे मिलने के लिए और सबको बिठा देते थे, सबके साथ बात करते थे। दूसरे सीरियल के किरदार है बालवी सीरियल, आपने देखी? दादाजी का रोल करते थे, उनका घर 2 गली छोड़ के ही है। अच्छा, यहाँ से गाँव के? ये हमारे गाँव के। अच्छा, और जो विजय रावल है ना, वो भी उसके ही घर है, उनके मासी का घर होता है।
अच्छा। हमारे गांव के सभी ब्राह्मण लोग बॉम्बे में बड़ी बड़ी हस्तियों में हैं। हमारे गांव जो ब्राह्मण लोग हैं ना, बॉम्बे में बड़ी बड़ी हस्तियों पे हैं। जैसे अभी जी। आपके गांव का जैसे देखा ना, घर बड़े पुराने पुराने, बहुत पुराने, बहुत पुराने। उधर से इधर ऊपर जाइए और पूरा देखिए, पुराने मोहल्ला लगता है नया घर, मगर सब ऐसे ही बने हुए हैं। यही है मुकेश रावल जी का घर, मैंने जैसा की आपको दिखाया। और अभी यहाँ पे भैया लोग मिले तो उन्होंने बताया कि किराए का, किराए पे उठा दिया है। मतलब किराए पे इसलिए, देखो किराए का कोई वो नहीं होता है, घर की देख रेख होती रहेगी, क्योंकि घर में कोई रहेगा नहीं तो घर खंडहर हो जाएगा, तो यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो अभी भैया बता रहे थे कि यहाँ पे महात्मा गांधी जी भी आए थे, तो मतलब विभीषण जी, मतलब मुकेश रावल की जो मम्मी जी थी वो बताती थी कि यहाँ पे गांधी जी भी आए थे। अच्छा भैया, भैया ने बताया कि यहाँ पे गांधी जी आए थे, मुकेश रावल जी की मम्मी ने बताया था। मुकेश रावल जी की मम्मी ने बताया था कि यहाँ पे जब गांधी जी मार्च कर रहे थे फ्रीडम के लिए, तो यहाँ पे आए थे। देखो भैया, उनका फिर गांव में पुतला भी बना है। अच्छा, तो आगे चौराहे पे पुतला भी महात्मा गांधी जी का बना है, इस वजह से, क्योंकि जब मार्च कर रहे थे ना, वो दांडी मार्च यात्रा जब महात्मा गांधी जी निकाली थी, तो इस घर पे आए थे। तो ये काफी बेहद पुराना घर है, मेरी समझ से 100 साल से ऊपर का ही होगा, 100 साल ऊपर का ये घर है। इसका आर्किटेक्चर से ही पता चल रहा है कि कितना पुराना है, और अभी आज़ादी के पहले का ही होगा। अंकल 75 साल तो अपना देश ही हुआ आज़ाद हुए हैं। तो देख रहे हो घर की हालत कितनी जर्जर हो गई है, और अंदर की जो वो सरिया है, मतलब लोहा है, वो दिख रहा है। तो ये है मुकेश रावल जी का घर, और ये है गेट। दोस्तों मैंने आपको बडोली गाँव का नज़ारा दिखाया, लोगों से भी मिले, और उन्होंने तो बेसिकली अभी घर किराए पे दे रखा है। किराया क्या है, उनकी पत्नी ने दे रखा है, क्योंकि वो यादें जो है ना सजो के रखेंगे। ऐसे कोई किरायादार रहेगा तो उसको साफ़ सफाई रखेगा, घर थोड़ा मेंटेन रहेगा। वैसे ही काफ़ी पुराना घर हो चुका है, 100 साल पुराना। बापूजी, मतलब महात्मा गांधी भी वहाँ पे आए थे ऐसा कुछ। ये जस्ट हमारे पीछे लिखा हुआ है बडोली प्राथमिक शाखा नंबर 1। अरे गेट नंबर 1 होगा, क्योंकि गुजराती में थोड़ा वैसा लगा, ऐसा लगता है शाखा लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है। तो मैंने वीडियो दिखाया मुकेश रावल जी के घर का और उनके गांव का, आज कैसा नज़ारा दिखता है। और वो तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका किरदार, जो विभीषण का किरदार है ना, ऐसा लगता है कि वो सजीव है, एक जीवित किरदार है, जो हमारे सबके जहन में सदियों तक दिलों में उतरता रहेगा। तो बडोली गांव के जो लोग मुझे देख रहे हैं, तो कृपया, आपको पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो मेरे वीडियो के माध्यम से आपको पता चला, तो कमेंट जरूर करना कि हम बडोली गांव से हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आपका वीडियो देख के मुझे पता चला कि विभीषण जी यहीं के रहने वाले थे। तो इस वीडियो को यहीं पे करेंगे समाप्त, आपसे लेंगे, इस वीडियो से हम अनुमति चाहेंगे, विदा लेंगे, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, और आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को हमारे चैनल पर मिलेंगे। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।